घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो अहम मुद्दे हैं। जो सबसे अहम मुद्दा है वो है बहन मायावती अब बिल्कुल तैयार हैं सियासी रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी पार्टियां हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जो संकेत दिए हैं, जो संदेश दिए हैं कि वो ईवीएम पे भी अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। दो महत्वपूर्ण बातों के अलावा जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो आज उन्होंने की वो ये भी था कि उनके भाई जो छोटे भाई हैं उन वो अब पार्टी के उपाध्यक्ष होंगे। तो परिवारवाद नए तरीके से एक जो वो व्यक्ति जो लगातार परिवार के खिलाफ रहा, परिवारवाद के खिलाफ रहा, अपने छोटे भाई को अपने पार्टी का उपाध्यक्ष बनाते। तीन महत्वपूर्ण बातें बहन जी की तरफ से, और ये भी तब जब अम्बेडकर जन्म जयंती दिवस पे 14 अप्रैल को आज जब उन्होंने कुछ बातें कही इस अवसर पे, उनमें से ये तमाम बातें उन्होंने की। सबसे पहले आपको बहन जी के हम बयान का कुछ हिस्सा दिखाते हैं। मैं बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं को ये भी बताना चाहती हूँ, यदि बीजेपी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मुझे हर स्तर पर जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की, तो भी मैं अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी भी अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। अर्थात हमारी पार्टी यहां बीजेपी द्वारा ईवीएम में की गई धांधली के खिलाफ तब तक बराबर संघर्ष करती रहेगी, आवाज उठाती रहेगी, जब तक हमारी पार्टी को इस प्रकरण में सही न्याय नहीं मिल जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मुस्लिम तुष्टिकरण जो उनके ऊपर आरोप लगा है उसको भी उन्होंने सबसे सफाई दिया कि 2007 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई और उसमें कई मुस्लिम एमएलए थे, तब भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने दिया। तो वो कह रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश जो है मुसलमानों की वजह से क्या पाकिस्तान बन सकता है। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ बहन जी दे सकती हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा ये एक अहम बात है उसमें से कि उन्होंने कहा कि वो दलितों, पिछड़े, अपर कास्ट के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो आगे भी बीएसपी की सरकार बनी तो वो यूपी को, उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने देगी। क्या मतलब है इसका? एक तरफ वो बीजेपी विरोधी जो दल हैं उनसे हाथ मिलाने के, उससे उनसे बात करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रही है, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण कि जो आरोप है उसको खारिज कर रही है। वो कह रही है कि मैं पिछड़े को, अपर कास्ट को, दलित को वो यकीन दिलाना चाह रही है कि बीएसपी की अगर सरकार बनी तो वो उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान नहीं बनने देगी। हमारे साथ पुष्पन कुलश्रेष्ठ हैं वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं सीपीएम से। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र, तीन चार अहम पहलू हैं बहन जी के इस बात को। सबसे पहले कि यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा, वो किसको संकेत दे रही, क्या कह रही है? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि जिस राजनीति की जमीन पे वो खड़ी हुई थी एक लंबे समय से, आज वो उसके उलट बोल रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बना रही है? और पाकिस्तान बनाते हुए वो ये कह रही हैं कि मेरे 2007 में कई सारे मुसलमान एमएलए थे, तब भी मैंने पाकिस्तान नहीं बनने दिया। तो मुझे लगता है कि वो जो जिस उनकी अगर सारी बातों को किसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ करना चाहती हैं। वो गठबंधन के लिए सारी पार्टियों से तैयार हैं, वो अपनी उस जो मुसलमान छवि है कि उन्होंने अपने इस चुनाव में 203 में से कोई 96-97 उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया,
और 16 19 में से कुल मात्र उनकी पार्टी में से 5 जीत के आए, तो वो एक तरफ शायद उस हिंदू वोट बैंक को जिसका एक नया जैसे कह सकते हैं अवतार हुआ है इस चुनाव के अंदर, उस तरफ भी इशारा करना चाहती हैं। दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के माध्यम से ये प्रियम्प्ट कर रही हैं, जिसका शायद मुझे लगता है उनका डर है ये कि सरकार की तरफ से केंद्र और यूपी की जो मशीनरी है उसके तहत कहीं उनके ऊपर कहीं जो पुराने केसेस हैं खुल ना जाए और दूसरी चीजें ना हो। तो एक तरफ वो डरी भी हुई है, पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की बात कर रही है, तीसरी तरफ एक जो छवि है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे याद है कि पहला वाक्य जो बीएसपी की तरफ से आया वो सीधे सीधे मुसलमानों के लिए आया कि अगर मुसलमानों को जो है आपने वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, इसलिए मुसलमान एकत्र हो जाए। तो मुसलमान शब्द का इस्तेमाल आपने इस 2017 के चुनाव में किया और जो भी उसका नतीजा निकला, शायद वो उसको लगता है कि मुझे मुसलमान जो है बहुत ज्यादा वोकली नहीं बोलना चाहिए था, या जिस तरीके से मैंने कई हाजी अली पे मेरा बयान कुछ होता था, शंगना सिंहपुर के ऊपर मेरा बयान कुछ और होता था, 3 तलाक पे कुछ और बयान होता था, तो ये जो उनको लगता था कि उनके ऊपर एक अपीजमेंट का मुसलमानों का जो चार्ज है शायद ये उससे निकलने की कोशिश है। मुझे ये समझ नहीं, अगर वो ये कहते हिंदुस्तान यूपी को हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे यहां तक भी समझ, लेकिन कहा कि 2007 में इतने सारे मुसलमान आए थे तब भी मैंने नहीं बनने दिया, तो क्या उत्तर प्रदेश में जिस दिन मुसलमान 100 जीत के आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश मुसलमान पाकिस्तान हो जाएगा? ये बात उनको जवाब देनी चाहिए और ये बड़ी एक खतरनाक सोच की तरफ उन्होंने बात कही है, क्योंकि वो मुसलमानों की राजनीति करती रही है, मुसलमान उनकी पार्टी में रहे, तो क्या मुसलमान जब एमएलए जीत के आते थे तो क्या मुसलमानों को वो रोकती रहती थी या कोई दबाव में रखती थी जिससे मुसलमानों की जो यानी इस देश उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमानों को आप ये बता रही हैं कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे और आपने उन्हें बनाने नहीं दिया, तो कई सवाल हैं जो उन्हें अपने ही लोगों से जवाब देने हैं। सुनील चोपड़ा जी, कई सारे बातें हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि जब 2007 में उनकी सरकार है तब भी उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनने दिया, ये समझ में थोड़ा अगर इसको समझ सकते हैं, आपकी सियासी अनुभव है आपको कि क्या कह रही हैं कि अब आगे बनने भी नहीं दूंगी पाकिस्तान। मेरी समझ में जो मुख्य अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यूपी को नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान एक धार्मिक देश है, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक है जी, और अगर मैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाऊं तो वो भी पाकिस्तान हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो कह रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हाँ, ये कह रही कहना वो है, लेकिन हिम्मत नहीं है कहने की, वो अलग बात है, मुझे मालूम नहीं, वो कह रही कि पर मेरे लिए लॉजिकल तो एक ही चीज लगती है जी, कि अगर आप पाकिस्तान से अपने आप को दूर करना चाहते हैं या अलग दिखना चाहते हैं तो वो हमारी जो धर्म निरपेक्षता है इस देश की, जो अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी चीज थी, वो आप सामने रखेंगे और कहेंगे कि भले इतने लोग इस जाति के या इस धर्म के आ जाएं, फिर भी हम पाकिस्तान की तरह किसी एक धर्म को मुख्य स्थान नहीं देंगे जी। तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की कोशिश को, उन्होंने कहा विपक्षी दलों को एकजुट के लिए नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और मायावती ने भी जो आज कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो किसी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। आपको लगता है कि अब जो है वो समय आ गया है या स्थिति बन रही है जब आपको वामदल भी उसमें सक्रिय रहा है, तो उसमें आप ममता बनर्जी के साथ मिलके, मायावती के साथ मिलके, जो कि आपके विरोधी हैं पश्चिम बंगाल में, उनके साथ मिलके आप विपक्ष नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए उस भूमिका में आपकी अहम योगदान उसमें रहेगा? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो पिछले चुनाव ने हमें दिखाया है जी, वो ये है कि अगर ये लोग सब इकट्ठा होते जी, तो इनकी वोट परसेंटेज बीजेपी से बहुत ज्यादा थी, तो इन्हीं की सरकार बनती जी। अब कहां तक लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को खत्म करके इकट्ठे होंगे, लेकिन आज जो मायावती कह रही है उसके बाद आपको लगता है कि वहां से, ये अच्छी बात है क्योंकि मायावती कभी किसी के साथ चुनाव से पहले गई नहीं है जी, और ये कहना जनतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है जी। चलिए, हमारे साथ लाइन पे भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं डॉक्टर एसपी सिंह। डॉक्टर एसपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिलीप जी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल उत्तर प्रदेश से निकल के आया है। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने कहा है कि वो बीजेपी विरोधी जो पार्टियां हैं उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं।
आपने चुनाव से पहले कोशिश की थी, अब मायावती जी कह रही हैं, तो आप इसको कैसे, इस पर प्रतिक्रिया पहली क्या होगी? देखिए मायावती जी के पास उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ डॉक्टर सोमवार का वोट है, वो भी भागने लगा है। आज की तारीख में जितना भी समाज है वो सोचने लगा है कि बीएसपी हमारे लिए एक अच्छी पार्टी नहीं है, रिलायबल पार्टी नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने वाली पार्टी नहीं है। अब मायावती को घबराहट है कि आगे आने वाले समय में पॉलिटिक्स कैसे करें। कांग्रेस चाहती थी मायावती जी के साथ गठबंधन करना चुनाव से पहले, लेकिन मायावती जी दूर दूर भाग रही थी, कांग्रेस को पास नहीं आने दे रही थी, बात करने को तैयार नहीं थी। अब वो खुद ही, वो एक वो पुरानी कहावत है, अब आया ऊंट पार के नीचे, अगर वो गठबंधन कांग्रेस के साथ हमारे साथ कर लेती, कांग्रेस के साथ कर लेती, तो शायद उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कुछ बहुत अलग होते। लेकिन अब जब वो कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की कोशिश में के जो है उसमें वो कहीं ना कहीं एकजुटता की अपील करते हुए नजर आ रही हैं, वो कह रही हैं कि अब बीजेपी विरोधी दलों से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को एक ग्रैंड अलायंस के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो हमारे साथ सीपीएम के नेता भी बैठे हुए स्टूडियो में? देखिए अब समय है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, जिस तरह बीजेपी धन का बल का और एक कम्युनल कार्ड खेल के जी तो इस देश को डिवाइड करना चाहती है, इस देश में अफरा तफरी मचाना चाहती है, वो जिस फिलोसफी में ये चल रहे हैं जी, जब से आरएसएस बनी आरएसएस की फिलोसफी में जो चल रहे हैं, तो उस फिलोसफी को खत्म करने लगे जरूरी है कि सभी दल एक साथ आए, सभी पार्टी एक साथ आए और ऐसी विचारधारा को बार। उन्होंने एक बात और कही है कि 2007 में भी उनकी सरकार बनी थी और तब भी वो मुस्लिम कई एमएलए थे, लेकिन उस समय भी उसने यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने दिया, और उन्होंने कहा मैं दलितों को, पिछड़ों को, अपर कास्ट के लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूं कि आगे भी बीएसपी की सरकार बनी तो यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इसका क्या मतलब है? इन शब्दों से यह लग रहा है कि मायावती जी जो एक प्रो मुस्लिम का उनके ऊपर धब्बा लगा, उनको ये लगता है कि जो बैकवर्ड था या पर कास्ट था उसने वोट नहीं दिया, तो वो शायद इस बात से दे ले, लेकिन उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि उन्हें आशा थी जो उनके एक पदाधिकारी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मिश्रा जी जी, तो उन्हें लग रहा था कि मिश्रा जी की वजह से यहाँ ब्राह्मण इन्हें वोट करेगा, लेकिन ब्राह्मण कभी भी पार्टी से नहीं जुड़ा और ये उनको गलत फहमी रही। अगर वो जुड़ा तो सिर्फ वो लड्डू खाने के लिए जुड़ा, भलाई खाने के लिए जुड़ा, कभी मायावती जी के साथ, उनकी विचारधारा के साथ, उनके एजेंडे के साथ कभी नहीं जुड़ा जी, तो शायद उसी वजह से उन्हें लग रहा है, लेकिन वो गलत फहमी में है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाई जो आनंद कुमार है उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है, मायावती जी भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद आप कांसीराम, दलित के लिए जो लगातार बहुजन समाज, बहुत जो पीड़ित हैं, दलित हैं, उसके उत्थान के लिए एक विचारों को लेके कांसीराम जी बढ़े थे। अब उन्होंने देखा कि ये पार्टी जो है, और भाई भतीजावाद के खिलाफ वो लड़े, परिवारवाद के खिलाफ लड़े, आनंद कुमार जी को पार्टी उपाध्यक्ष बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पार्टी को डुबाना कारण है। कोई भी कार्यकर्ता बीएसपी का, कोई भी जो कैडर से जुड़ा है, वो नहीं चाहेगा मायावती जी आनंद जैसे करप्ट आदमी को पार्टी के अंदर लाए। ये जो रहा सहा मायावती जी के पास है, ये सब खत्म होने जा रहा है अगले 10 साल में। आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की समस्या है वही समस्या मायावती जी की हो गई? नहीं, ये कांग्रेस की समस्या नहीं है। आज मोइली साहब ने कहा है, मैं आप डॉक्टर साहब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ हमारा जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो नेहरू गांधी फैमिली को चाहता है कि वो लीडरशिप करे, लेकिन बीएसपी में नहीं चाहता है कि मायावती के परिवार का आदमी को लीडरशिप करे पार्टी के अंदर, इसलिए पार्टी खत्म हो जाएगी। आज मोइली साहब ने कहा है कि एक कहीं ना कहीं जो सेक्युलरिज्म वर्ड है वो इतना अब्यूज्ड हो चुका है कि उससे एक संकेत जाता है कि कहीं ना कहीं हम कांग्रेस पार्टी जो है प्रो माइनॉरिटी दिखती है, और वो जो चीज है वो कांग्रेस के लिए घातक है। साथ ही साथ कई सारे जो ऐसे नेता हैं जो वहां पर बहुत दिनों से हैं,
जिनको लेके नए लोग पार्टी में नहीं आ पा रहे हैं, जिनके कारण से पार्टी की जो है उस पर री इन्वेंट करने की जरूरत है। तो मायावती जी कांग्रेस को लगातार लतारती रही, खासकर परिवारवाद को लेके, और अब अपने भाई को उपाध्यक्ष बना रही हैं, और वो भी ये कह रही हैं कि मुस्लिम जो तुष्टीकरण की बात है वो आरोप निराधार है। आपकी भी यही समस्या है, तो कुछ बसपा और कांग्रेस के बीच में कुछ समानता आप देख रहे हैं इस वक्त? इसमें कोई समानता नहीं है। बसपा का विचारधारा जातिवाद को लेकर चलती है, हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई जातिवाद कोई नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जैसा मैंने कहा कि कांशीराम जी और मायावती जी के अगर आप शुरू के भाषण देखो तो वो कहती थी कि जैसे कांशीराम जी ने परिवार छोड़ दिया मैंने भी परिवार छोड़ दिया, मेरे परिवार का कोई आदमी पार्टी के अंदर नहीं आएगा। और लोग समझते थे शायद ये डेडिकेटेड लेडी है, ये इसको पार्टी को आगे बढ़ाना चाहती है, लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। और वो लोग जो कांशीराम जी के साथ जुड़े थे, जो अब तक मायावती को सस्पिशन से देख रहे थे, अब वो सब लोग वहां से भागने लगेंगे, क्योंकि मायावती जी का जो कार्य प्रणाली है उससे भी ज्यादा बुरी आनंद जी की है। चलिए, ये बात आज उन्होंने डॉक्टर एसपी सिंह जी ये बात उन्होंने आज अंबेडकर जयंती पे कहा है, और आज अंबेडकर जयंती है, तो आपको लगता है कि इस जयंती पे आपको जो कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा बनाने का देश भर में, उसके लिए ये जो उनका बयान आया है वो आपके लिए एक सुखद संदेश जैसा है? नहीं, ये देश के लिए सुखद संदेश है, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं जी, क्योंकि जिस तरह जैसा मैंने कहा कि बीजेपी और इनकी जो डिविजिव कम्युनल डिविजिव उनकी जो फिलोसफी है वो फिलोसफी किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कहता हूँ जी, और उस फिलोसफी को खत्म करने के लिए अगर कोई भी विचारधारा आती है जो विचारधारा बांटने वाली नहीं है, देश को समाज को बांटने वाली नहीं है, कोई भी आपस में मिलते हैं और ऐसी विचारधारा का जो बांटने वाली उसे खत्म करते हैं, तो ये सचमुच एक स्वागत योग्य विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पन जी, देखिए मुझे लगता है कि एसपी सिंह साहब ने दो तीन चीजें जो है वो उनकी याददाश्त पे थोड़ा सा मैं उनको पीछे ले जाना चाहता हूँ। उन्होंने जैसे कहा कि साहब वो हम गठबंधन अगर हमारे साथ पहले करते तो हम तो तैयार थे। मुझे याद है 96 में बीएसपी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ था और मायावती ने इनको 125 सीट दी थी और बाकी सीटों 268 पे वो लड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी उसमें 33 सीटें जीती थी और मायावती 67 सीटें जीती थी। और उस गठबंधन पे उस वक्त 96 में तो राहुल गांधी छोटे थे, लेकिन 2008 में उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस पार्टी को नीलाम कर देने जैसा है, ये उनका बयान था। और इसी कांग्रेस पार्टी ने 2017 में बीएसपी की जगह इस बार एसपी से इन्होंने गठबंधन किया, तो जो एसपी 225 पे थी उसको 47 पे ले आए और जो खुद 28 पे थे वो खुद 7 पे आ गए। तो ये कहना कि हमने गठबंधन पहले किया होता तो नहीं था, तो दोनों पार्टियों से आप गठबंधन करके देख चुके हैं। दूसरी बात, बीएसपी और सपा के बीच में गठबंधन हो चुका है सत्ता के लिए, बीएसपी कांग्रेस में हो चुका है, बीएसपी बीजेपी में गठबंधन हो चुका है, और आपको यकीन होगा कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि आज बीएसपी ने कोई ऐसी बात कह दी है कि वो पिछले कई समय से अकला चलो की राजनीति कर रही थी, सत्ता के लिए उन्होंने सबसे की है। और दूसरी बात जो मैं याद दिलाना चाहता था एसपी सिंह साहब को वो ये कि 2012 के चुनाव के बाद जिस तरीके के हालात बने कांग्रेस पार्टी के, उसके बाद एक एके एंटोनी कमेटी बनाई गई थी दिलीप, बिल्कुल, और उस कमेटी का काम था कि चुनाव में पराजय के कारणों को ढूंढना। बड़ा आत्ममंथन हुआ, उस आत्ममंथन हुआ और मंथन के बाद में से उसमें एक विष निकला था कि ये जो हमारी कांग्रेस पार्टी है ये मुसलमान 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 इतना ज्यादा बोलती है और मुसलमानों के हर बात पे हम बहुत एग्रेसिव होते हैं, उससे एक हिंदू वोटर जो है वो नाराज हुआ है, तो हमें ये मुसलमानों की माला जो है वो कम जपनी चाहिए और हमें सबकी बात करनी चाहिए। उस पूरे सेंटेंस ने कांग्रेस पार्टी का 50 साल का जो सेकुलरिज्म का मुखौटा था उस पर सवाल उनकी पार्टी के एक ऐसे आदमी ने किया जो कि खुद ईसाई था। तो सवाल यह है कि आज सेकुलरिज्म गाली हो गई है जो वीरप्पा मोली को लग रहा है, ये वीरप्पा मोली को गाली जब क्यों नहीं लग रहा था जब सत्ता में थे? तो आज हारने के बाद आत्ममंथन दोबारा हुआ और करीब करीब वही निष्कर्ष निकला है जो एके एंटोनी ने कहा है। सवाल यह है कि इससे ये आगे कुछ सीखेंगे या एके एंटोनी की तरीके से जो मंथन किया उसमें जो विष निकला और जब बेचारे एके एंटोनी ने कहा तो लोगों ने कांग्रेसियों ने कहा इसे आपने निकाला और आप ही पी लो इसको, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो ये सब बातें होती हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीएसपी ने आज जो भी कुछ किया है, जो भी कुछ कह रहे हैं, उससे लगता है कि पिछले 10 साल से सत्ता से वो बाहर हैं।
एक जो उनका सीधे तौर पे हमला है कि कह रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार की जो मशीनरी है वो फंसा सकती है, मुझे उत्पीड़न कर सकती है, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं लोकतंत्र के, मैं आज तक उनके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना वो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है, कभी मैंने लोकतंत्र की लड़ाई नहीं सुनी आज तक, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में लोकतंत्र का किसी को पता नहीं है। तो ये जो शब्द है इससे वो अपनी छवि जो उनकी बनी हुई है उससे बाहर आना चाहती है, और जो दूसरे साथी है क्योंकि वो भी बहुत बुरी हालत में है, तो ना तोकू और ना मोकू ठोर, तो वो वाली सिचुएशन है कि वो भी कहां जाएंगे, उनको भी गठबंधन करना है, सपा भी आज उस पोजीशन पे आ गई है, कांग्रेस भी उस पोजीशन पे, लेफ्ट भी उस पोजीशन पे। मायावती जिस पृष्ठभूमि से आती हैं वो कांसीराम का एक आंदोलन था, उस कांसीराम के आंदोलन से पहले कई ऐसे आंदोलन हुए हैं भारत में जिसमें कि जो खास करके शोषित हैं, जिन जो जो लगातार वंचित रहे हैं, उनकी लड़ाई लेके लड़ने वाले एक संगठन, कुछ व्यक्ति, कुछ विचार को आगे बढ़ाते हुए मायावती आगे आई थी, और वही कारण था कि उनके उनको स्पष्ट बहुमत भी मिला था, उनको इतना सपोर्ट भी था। वो दलित और पिछड़ों के नेता होते होते हमने देखा कि जिस तरह से दलितों में भी जो है एक बिखराव हुआ है, उनके वोट बैंक में बिखराव हुआ, और अब एक जाटव वोट बैंक रह गया है जिसको लेके लोग उनको जोड़ते हैं कि वो जाटव जो है उनका नेता हो गया है। तो भारत में अगर हम इन आंदोलन को देखें, आंदोलन से निकले हुए नेता को देखें, उस नेता के नीति को देखें और उसको ग्रोथ होते हुए देखते हैं, तो मायावती जी आज अपने भाई को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाती हैं, और दूसरे तरफ हम ये देखते हैं कि वो कहती हैं कि हमें यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसको भी मजबूत करना है। तो सुनील चोपड़ा जी, वो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या परिवार तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, किस तंत्र को वो मजबूत कर रहे हैं, या वो उनकी लड़ाई जिस आंदोलन से निकल के आए थे उसको कैसे आगे ले जा रहे हैं? सवाल ये है, इसमें दो चीजें। पहली चीज है कि एक पहचान की राजनीति जो थी उनकी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसको हिंदुस्तान का जो तरीका है इलेक्शन जीतने का, उसने दिखा दिया है कि आप अपनी पहचान जब बनाएंगे तो और आपकी पहचान को इस्तेमाल करके आपसे आपके दोस्तों को कुतर देंगे। इस बार बीजेपी ने सोच समझ के कुशवाहा को अलग किया, पटेल को अलग किया, उधर उन्होंने अति जो पिछड़े हैं उनको अलग किया और यादव को आइसोलेट किया। तो लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है और जीतना है तो इस आइसोलेशन से बच के काम होना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं। दूसरी चीज है मेरे लिए तो मेरा जो सवाल था उस पर आप जवाब नहीं, मैं आ रहा हूं उसी पे। आंदोलन जिस विचार से, जिस आंदोलन को लेके आप आगे बढ़ते हैं, वो आंदोलन पीछे छूट जाता है, वो विचार पीछे छूट जाता है, क्या ऐसा दिख रहा है आपको मायावती के साथ? क्या आपको नहीं दिख रहा है? आपके जो लक्ष्य है ना वो बदल जाते हैं ना। आंदोलन आप कर रहे हैं, आंदोलन वंचित के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, शोषण के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, जनता तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं, बामसेफ से शुरू हुआ, DS4। तो मेरा ये कहना है कि आंदोलन एक चीज होती है, इलेक्शन जीतना दूसरी चीज हो जाती है। इसमें उसी पे आ रहा हूं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, मैंने बड़ा इसको स्टडी किया, ये जो परिवारवाद की बात चली, तो संघ परिवार भी तो परिवार है। क्यों परिवार का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप एक कुलीन तबका बनना चाहते हैं तो आपको परिवार का सहयोग चाहिए, और ये कुलीन तबके हमारे देश में एक तरफ राजनीतिक नेता और एक तरफ आम जनता, उनके बीच में अब फासला बहुत बढ़ गया है, तो आपको बैंकर की तरह परिवार चाहिए होगा, और आप पैसे को भी नहीं रोक सकते। जेटली साहब का जो नया कानून आया है उसमें आप कॉरपोरेट पैसा लेके चुपचाप उस पैसे को जेब में रख सकते हैं। सिर्फ तो ये परिवर्तन जो है ये हर तरह के परिवारवाद को, चाहे वो संघ परिवार हो, चाहे मायावती का परिवार हो, संघ परिवार और चाहे कांग्रेस का परिवार, यहाँ पे और तीसरी चीज, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बोल रही थी कि मायावती खत्म होगी, कांग्रेस ने 100 सीट लेके कितनी जीती? 7। तो मेरा ये कहना, आप समझ लीजिए हालात बहुत बुरे हैं,
मजबूरी में अगर सबको आना पड़ेगा, मजबूरी में अगर जनतंत्र बचाए तो बहुत अच्छा। ये जनतंत्र नहीं बचा रहे हैं, फिर आप ये कह रहे हैं कि मजबूरी में अगर खुद को और पार्टी को बचाना है तो आप आ जाइए। नहीं तो कांग्रेस एक जनतांत्रिक पार्टी रही है, राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से। आप कॉन्ट्राडिक्शन है आपके उसमें। पुष्पेंद्र, जो मायावती उसमें आप दो चीजों को ध्यान रखिए दिलीप। हम लोग इस बारे में कई बार बात करते रहे हैं कि जो आंदोलन, जैसे कि आपने कहा कि पूरा दलित आंदोलन चला और काशीराम जी ने उसको कहा और फिर उसमें शोषित भी जोड़े, उसमें वंचित भी जोड़े, तमाम सारी हुई। आप इसी तरह जेपी मूवमेंट से निकले हुए लालू, मुलायम, नीतीश, ये फौरी तौर पर मैं कहूँ, लालू बिहार के अंदर एक गरीबों के मसीहा के रूप में निकल के आया था और उनके साथ में तमाम सारे लोग थे। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश के अंदर जाट भी था उसके अंदर, उसमें मुसलमान भी था। इसी तरीके से आपने नीतीश को देखा। मैं जेपी मूवमेंट के तीन लोगों का निकला हुआ आंदोलन की सिर्फ छोटी सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। जेपी मूवमेंट से निकले हुए तीनों नेता आज नीतीश कुमार कुर्मी से आगे नहीं बढ़ते। आज लालू का यादव बन के रह गया है, यादव आज से आगे नहीं जा रहे हैं। वो पार्टी जहां से इतना बड़ा उनको मैंडेट मिला था और उस पूरे लंबे सफर के अंदर वो अब यादव के नेता बन गए। यही मुलायम सिंह की समस्या हो गई कि वो यादव के नेता हो गए, आज जाट नहीं है, मुसलमान नहीं। तीसरा आप ये देखें कि मायावती भी उसी आंदोलन से निकली लेकिन धीरे धीरे सत्ता के अंदर आने के बाद अब वो जाटवों की नेता होकर रह गई। तीसरा मैं एक और बात कहूंगा, वैसे वो बहुत बड़ा रिलेवेंस नहीं है। एक आंदोलन हुआ हमारे देश में अन्ना का, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। उस आंदोलन से एक पार्टी निकली, क्लेम था कि हम उससे निकले। उस पार्टी का दो साल में क्या असर हो गया है? जिस पर्पस से वो आई थी वो कहीं पीछे छूट गया है। आज उनके यहां भी वही तमाम सारी बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो आप यकीन मानिए कि आंदोलन का इस्तेमाल पार्टी बनाने और सत्ता तक पहुंचने के बाद होता है। सत्ता में रहते हुए उस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। उपेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। उपेंद्र जी सही, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन महत्वपूर्ण, पहले मैं आपको बात बता दूं कि बहन जी ने, मायावती जी ने अपने भाई को बीएसपी का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा है कि वो भारत, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, भाजपा को रोकने के लिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि उनकी पार्टी 2007 में भी सत्ता में यूपी में थी और काफ़ी सारे मुसलमान जीत के आए थे, तब भी उन्होंने यूपी को पाकिस्तान नहीं बनने दिया। और उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ों, अगड़ी जातियों के लोगों को वो यकीन दिलाना चाहती हैं कि आगे भी वो उत्तर प्रदेश को जब जीत के आएंगी तो उसको पाकिस्तान नहीं बनने देंगी। ये तीन अलग अलग बयान हैं, इन तीनों बयान को आप कैसे विश्लेषण करेंगे? भाई को उपाध्यक्ष बना दिया है इन्होंने, जो परंपरा मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, करुणानिधि, प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला, मतलब तमाम जो क्षेत्रीय नेता है उनकी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इसमें कोई नई बात नहीं, एक इनको करना ही था। और भाग्य में लगता है पिछले सर का कोई भी नेता है जो यही अब करेगा, भले किसी को अपना परिवार में नहीं हो, कोई भाई नहीं हो, भतीजा नहीं हो, अदरवाइज सभी लोग यही करता है। इसी बात को ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो सकती है। मुलायम सिंह यादव को बहादुर करने के लिए तीन बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है सत्ता में आने के लिए, और मुलायम सिंह यादव को सत्ता से बाहर रखने के लिए। तो ये बाहर रखने की बात नहीं है, सही बात है कि उनकी अपनी स्थिति कमजोर हो गई है। अगले साल उनका राज्य सभा का फॉर्म पूरा हो रहा है और बिना अखिलेश के सपोर्ट के राज्यसभा में नहीं जा सकती, तो राज्यसभा में जाने के लिए वो तो करे, उनका राज्यसभा दिवस बन गई, फिर आप देखिए फिर वो नए तेवर में आ जाएंगी। ये जो इनका है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये पहले अपनी जान बचाने के लिए राज्यसभा में आने के लिए, और दूसरा जो विपक्षी नेता के साथ जुड़कर इनके खिलाफ, इनके भाई के खिलाफ जो चल रहा है कार्रवाई जो चल रही है उस पर रोक लगाने की बार्गेनिंग भी कर रही है, अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। और इनके जो भाई उपाध्यक्ष को जो बनाया गया है, ये भाई उपाध्यक्ष उसको भी इसी संदर्भ देखा जा रहा है, पार्टी के उपाध्यक्ष हो गए हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव है। अब किसी बात जो आपने कही है कि ये तीसरी सवाल क्या, तीसरा सवाल क्या आपका है, आपने तीसरा सवाल जो मायावती से लेकर कहा है जी, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कहा,
नहीं, तीसरा मैंने कहा कि उन्होंने एक तो अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाया, दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान नहीं बनने देंगी, वो मुसलमान जब एमएलए जीत के आए थे तब भी नहीं बनने दिया था। हाँ, तो अब पिछले दलित और हिंदू की राजनीति में अगर इनको पता चल गया, असल बात है कि मायावती और कांतिराम बहुत ही क्रूड कास्ट ऑफ कर्नल पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। एकदम आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा किस तरह से मुसलमानों का वोट मांग रहे थे बीजेपी, समाजवादी पार्टी को नहीं तो हमको वोट दो, उसी तरह से मुसलमानों को लगता छोड़ो इनको लग रहा है मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, फिर एक पिछले पर आ गई। अभी तो इसके पहले दलित मुसलमान और अपर कास्ट इसका इन्होंने एक स्टेशन बनाया था, इसमें ओबीसी का नाम मात्र का था, वो किसने जब छोड़ दिया, जब इनको पता है कि अभी ये लोकसभा के चुनाव भी नहीं जीत सकती, उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी का सपोर्ट को नहीं मिला तो, और ये जहां जब चुनाव जीती है उत्तर प्रदेश में अपना लोकसभा का और विधानसभा का बिना ओबीसी के सपोर्ट जीत नहीं सकती है। कुर्मी ने कुशवाहा जो क्षेत्रों से चुनाव लड़ी थी अकबरपुर से यहाँ कुर्मी आवाज जीत जाती थी, अब ओबीसी इनको छोड़ चुका है तो अब ये कैसे चुनाव लड़े, और फिर ओबीसी की ओर बढ़ गई है और इनको लग रहा है मुसलमान का साथ हमने दिया, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमानों का मुश्किल से चलिए चलिए उपेन जी, एक एक आखिरी सवाल आपसे छोटा सा पूछना चाहता हूं मैं, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आंदोलन से निकलती हैं पार्टियां जिनकी एक विचारिक एक पृष्ठभूमि अगर हम देखें, कांशीराम, डॉक्टर अंबेडकर, जो जो समाज के उन तबकों के लिए लड़ाई लड़ते हैं जो वाकई पिछड़े हुए हैं, वाकई जो वंचित रहे हैं, वो लड़ाई जब इस मुकाम पर पहुंच जाए कि उनको आनंद कुमार के बाहर पार्टी कोई उपाध्यक्ष ना मिले और वो सत्ता के लिए किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाए, तो वो आंदोलन की जो बुनियाद जिस पे वो खड़ी होती है, फिर वो उद्देश्य, फिर वो मकसद कहाँ चला जाता है? देखिए इनका जो कमिटमेंट होता है बहुत ही ऐसी बात है कि सोसाइटी के बारे में पहले भी नहीं ये लोग सोचते हैं। आप कांशीराम का बहुत नाम लिखते होंगे, यही बात है कि बीएसपी का जो परिवर्तन हुआ है कांशीराम ने शुरू किया, कांशीराम ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सहायता से मुलायम सिंह सरकार चलाई थी, तो ये और उसके पहले ये कांग्रेस से जब तालमेल कर रहे थे उनसे पैसे लेते थे, तो ये जो पैसे की जो कमजोरी है जो पिछले साल जो दलितों के नेताओं में बहुत ज्यादा थे, दलित नेताओं में बहुत ज्यादा पैसे के प्रति सत्ता के प्रति, तो इनका जो कमिटमेंट है काशीराम का भी ये नहीं कर सकते हैं बहुत उनका स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था, वो भी कास्ट कमिटमेंट था, दलित पिछड़ा आदिवासी धार्मिक अल्पसंख्यक थे जब हुए 85% बोलते थे और 85% उन्होंने बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही सत्ता में मेरा एक संक्षिप्त सवाल उपेंद्र जी मेरा जो संक्षिप्त सवाल है कि जिन मकसद से जिस मकसद से आप आंदोलन शुरू करते हैं, हम केजरीवाल की बात नहीं करते हैं, वो तो एक त्वरित चीजें हुई, उन्होंने तुरंत सत्ता पाली, वो तुरंत जो दिल्ली में हाल हुआ वो भी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो समाज के जो वो वर्ग हैं जो वाकई वंचित हैं, जो वाकई पिछड़े हैं, जो वाकई जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ लोग चाहे कांशीराम चाहे डॉक्टर अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, इतनी लड़ाई लड़के उस संविधान उनके जन्मदिन के अवसर पर जब बहन जी कहती हैं तो अपने भाई को उपाध्यक्ष बनाती हैं या जो भी सब कहती है, अब वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए तैयार हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि वो जो आंदोलन के पीछे जो मकसद होता है, आइडिया होता है, वो कहाँ चला जाता है? देखिए मैंने यही कहा कमिटमेंट नहीं था, कमिटमेंट नहीं था तो आइडिया नहीं जाता, आइडिया चला जिसे पता चला इनका कमिटमेंट कोई नहीं था, चलिए भोजन समाज के प्रति कमिटमेंट नहीं था, दलित के प्रति कमिटमेंट नहीं था, ये लेकिन लेकिन दलित लेकिन ऐसे लोग हिंदुस्तान में आप उपेंद्र जी उस कंट्राडिक्शन का लाभ उठा करके अपना जो पर्सनल है वो स्तर करते हैं, यही हमें लगता है आजादी के बाद के जो अधिकांश नेता उभरे हैं सत्ता में आने के बाद सब ने यही रंग दिखाना है, हमें नहीं लगता है कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता रहे हों तो रहे हों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र जो मैं छोटा सा सवाल आप दोनों से, मैं मुझे ब्रेक पे जाना है,
कि जो जिस उद्देश्य से इन आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगर देखेंगे, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर ने जो पूरी लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ, जो उन्होंने लड़ी, जो कांसीराम ने जो चीज़ खड़ा किया, ये जब चाहे लालू यादव के नेता बन जाएं, मायावती जाटव के नेता बन जाएं, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता बन जाएं, फिर इस तरह से जो जिस मकसद से आप उसकी बुनियाद रखते हैं, खड़ा करते हैं उस पूरे विचारों को, उस पार्टी को, उस वो बुनियाद विचार कहाँ चले जाते हैं? वो मजबूरी है। हिंदुस्तान का जो जनतंत्र है उसमें बहुत कमियां हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि जो इलेक्शन में 10 वोट भी ज्यादा ले ले उसको पूरी सीट मिल जाती है, दूसरे को कुछ नहीं। तो जब आंदोलन होता है तो वो अपना सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं मांगों के आधार पर। जब वो इलेक्शन जीतते हैं तो वो फिर अपना वोट वोट बैंक के आधार पर रख रहे हैं, और जहां पर बैंक हो जाता है तो परिवार आएगा आएगा, चाहे वो संघ परिवार हो चाहे मायावती का परिवार। चलिए चलिए, यहाँ संघ परिवार का मुझे पुष्पेंद बहुत बहुत कम शब्दों में, वो भी परिवार नहीं, नहीं, आपके लिए जरूर है, आप इसको जरूर अपने उसमें रखें, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही है पुष्पेंद कि क्या इसके बाद आपको लगता है कि जो दूसरा पक्ष है, मायावती ने जो आज बात कही है, विपक्षी एकता, वो कहीं बेहतर परिणाम अब उनके लिए, क्योंकि एक मायावती उत्तर प्रदेश में और लेफ्ट और टीएमसी एक साथ पश्चिम बंगाल में नहीं आने की गुंजाइश थी, लेकिन वहां पे भी गुंजाइश, भारतीय जनता पार्टी वहां पे उपचुनाव में सेकंड नंबर पे है, तो लेकिन आपको लगता है कि वो स्थिति अब जो है, मायावती ने संकेत दिया है कि वो एक दोनों वोट पे, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी विरोधी जो है उस लड़ाई में हम हाथ मिला देंगे। दिलीप, मुझे नहीं लगता, क्या कहते हैं कि अब इस देश का जो वोटर है वो 20 साल पुराना वाला है कि आपने कोई एक बात कह दी लोग आपको यकीन मान लें, क्योंकि जब लोग आपको जिताते हैं तो यकीन मान के जिताते हैं और हटाते हैं तो इसलिए कि आपका विश्वास उस पर से हट जाता है। लेकिन जो बात उपेंद्र जी ने इशारों इशारों में कही है उसको मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2018 में मायावती की राज्यसभा की सीट खत्म हो रही है, उनकी अपनी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर के भी वो राज्यसभा में नहीं पहुंच सकती क्योंकि उन्हें 35 सीटें चाहिए उसके लिए, तो खुद उनके पास मात्र जो है वो 19 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 7 हैं। अब अगर मुलायम सिंह के पास जो 47 है उसमें से वो 35 निकालने के बाद 12 जो बचे हुए वोट है वो इन्हें दे दें, तब जाके 38 बनता है, तब जाकर वो नेक टू नेक है, वो भी तब जाकर के है। तो सवाल यह है कि लोकसभा में वो साफ हो चुकी है, नहीं है उनका एक भी एमपी, राज्यसभा में वो खुद है, और वो जितना बड़ा उनका ऑरा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है उसको सस्टेन करने के लिए दोनों में से सदन में कहीं रहना जरूरी है। तो ये जो तमाम उन्होंने आज लोकतंत्र के लिए जान देने की बात कही है, सबसे मिलने की बात कही है, उसमें ईमानदारी मुझे नजर नहीं आती, इसलिए कि वो तमाम पहले अगर यही बात होती तो जब मुलायम सिंह के साथ गठबंधन हो रहा था तब उन्होंने अलग लड़ी, अगर वो साथ लड़ती तो शायद ये बात ना होती, लेकिन उस वक्त उनको लगता था कि मैं अकेली जो है मुसलमानों के वोट से जीतूंगी, और अब नहीं होने के बाद अब वो उल्टा मुसलमानों पे वार कर रही है। अब वो ये बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सत्ता में आता है तो पाकिस्तान बनाना चाहता है, तो मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगी। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि इस वक्त तो उनको ज्यादा खुश होना चाहिए था कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक भी एमएलए जीता हुआ सत्ता पक्ष के पास नहीं है तो पाकिस्तान नहीं छोटा बनेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे बहन जी मायावती जो बात कह रही थी, और उन्होंने ये बात अंबेडकर जयंती पे कही, और अंबेडकर जयंती को लेके आज पूरे देश में तमाम पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, संघ संगठन हो, बीएसपी हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम तरह की पार्टियों ने अलग अलग कार्यक्रम किए, अलग अलग तरह से अंबेडकर को याद किया, उन्होंने उनके योगदान को याद किया। जाहिर है उन्होंने संविधान को, भारत के वो संविधान जिस संविधान से भारत का राष्ट्र राष्ट्र में ही सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि जैसे हम कहते हैं भारत का भाग्य बदल सकता है, वो संविधान बना। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री के
बयान को अंश जो उन्होंने भाषण दिया उसके कुछ अंश को आपको हम दिखाना चाहते हैं। इस देश के दलित पीड़ित शोषित वंचित गांव गरीब किसान हर किसी के जीवन में आजाद भारत में उनके सपनों का क्या होगा, उनके आशा आकांक्षाओं का क्या होगा, क्या आजाद भारत में इन लोगों की भी कोई पूछ होगी कि नहीं होगी, इन सारे सवालों के जवाब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से देशवासियों को दिए थे, गारंटी के रूप में दिए थे। किसी भी प्रकार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना अभावों के रहते हुए भी प्रभावी ढंग से जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है और वो प्रेरणा बाबा साहब अंबेडकर से मिलती है। कह रहे थे पुष्पेंद्र, दो बातें हैं। हम इस हालात जो देश में अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पहले से ज्यादा लोग अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, क्या वाकई वो उनमें यकीन रखते हैं या आपको लगता है कि वो सियासी हथियार के तरह लोग अब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अभी कल परसों मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट चल रही थी, इस सरकार के एक मंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने जो कुछ कहा वो ये बताता है कि आप राजनीतिक तौर पे मजबूत हो सकते हैं, आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकते हैं, लेकिन खास तौर से दलितों का मामला सामाजिक बराबरी का है। आप समाज में तो उनको अछूती मानते हैं, इसलिए वो मंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि आप हमसे कुआं खुदवाते हो, हम कुआं खोदते हुए सारे काम उसमें करते हैं, गंदगी भी करते हैं, ये करते हैं, और कुआं खुद जाता है और पानी निकल आता है तो कहते हो तुम्हारे पानी लेने से यह पवित्र हो जाएगा। तो ये एक मंत्री खड़े होकर के आज 2017 में कह रहा है, ये पीड़ा है उनकी और ये रियलिटी है समाज की। हाँ। तो अंबेडकरवाद, दलित राजनीति एक तरीके से हमारे देश में सिंबॉलिक हुई है, और वो सिंबॉलिक मैं इसलिए कह सकता हूं कि भारत का रक्षा मंत्री जगजीवन राम तो हो सकता है और 69 की लड़ाई भी लड़ी जा सकती है उस रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, जीत भी लेता, लेकिन वो जीतने के बाद सेहरा कहीं और बनता है और भारत रत्न उसको नहीं मिलता है। अंबेडकर जी को भारत रत्न इतने साल बाद मिलता है जबकि अंबेडकर तो बहुत पहले जा चुके थे, तो उन 40 साल में तो कोई नया काम अंबेडकर ने नहीं किया। और हमने ये भी देखा कि इस देश में भारत रत्न देने वाली जो कमेटी का चेयरमैन है वो अपने आप को दे लेता है और ये दो दो बार दे देता है। इस देश में 5 या 6 साल का कार्यकाल रहा राजीव गांधी का, उन्होंने भी उनको भी भारत रत्न मिला। ये सिंबॉलिक बात है कि आप जब जरूरत पड़ती है तब किसको भारत रत्न दोगे और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो आप किसी और को देते हो। तो ये हमारे समाज में दलित मूवमेंट को अगर आप देखें तो दलित मूवमेंट के नेता भी बिके, उन्होंने भी जिन्होंने दलित की राजनीति की सत्ता प्राप्ति के लिए, उन्होंने दलित मूवमेंट को छोड़ दिया और उन्होंने कहा दो ब्राह्मणों को भी दे दो, दो बनियों को भी दे दो। और जो नारा था मायावती का तिलक तराजू और तलवार इनमें मारो जूते चार, आज वही मायावती जिनमें जूते मार रही थी उनको राज्यसभा में सतीश मिश्रा जी को लेकर जाती है क्योंकि उनको छवि बदलनी होती है। तो सत्ता तक पहुंचने के लिए दलित मूवमेंट, पिछड़ा मूवमेंट, गरीबों का मूवमेंट, ये तमाम चलते तो हैं दलित दिलीप, लेकिन आखिर के अंदर वो बिखर जाते हैं। अंबेडकर की रिलेवेंस इतनी स्ट्रांग है इस वक्त कि कोई पार्टी सिंबॉलिकली करे चाहे लेकिन अंबेडकर को आप नकार नहीं सकते। इसलिए मैं देखता हूं कि अंबेडकर की मूर्ति, अंबेडकर की गली गली में लगी वो मूर्ति आज अंबेडकर से जिंदा अंबेडकर से ज्यादा खतरनाक है। आज अंबेडकर की मूर्ति गली के अंदर कोई दुश्मनी में तोड़ देता है, कोई गलती से उनके हाथ जो हाथ में उसको तोड़ देता है, आप यकीन मानिए दिलीप पूरा का पूरा गांव पूरे के पूरे शहर में दंगा हो जाता है।
मैं समझता हूं कि अंबेडकर जब जिंदा नहीं है तो ज्यादा बड़े रिलेवेंस है और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में इस वक्त है, इसलिए पार्टियां इसको भांप रही हैं, जमीनी स्तर पे क्या हुआ है भांप रही हैं, और मीडिया ने इन कम्युनिकेशन ने उन चीजों को उभारा है कि जो बातें पता नहीं चलती थी अब सेकंडों में पता चलती है। राजनीतिक दलों में होड़ क्यों है उनको, इसलिए कि एक बड़ा वोट बैंक है। इसमें कारण है ना जी, हिंदुस्तान की परंपरा में गंगा जल हो तो आप कुछ भी कर लो तो उसके बाद गंगा जल में नहा लो तो साफ हो जाता है। आज हमारी राजनीतिक गंदगी, और मैं देख रहा हूं प्रधानमंत्री जी की मैंने पूरी स्पीच सुनी, उसमें वो क्या कहते हैं, अंत में कहां ले आए उसको उठा के, कि आप कैशलेस इकोनॉमी में जाओ, अपना जो गांव में रुपए पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, बेकार के एग्जाम्पल्स देते हुए उन्होंने कहा अब इसको आप एक कंपनी के हाथ में दे दो। अंत में क्या है, गरीब दलित कुचले हुए लोगों को कहा है जो तुमने बचा के रखा है उसको भी एक कॉरपोरेशन के नीचे भेज दो, और वो कॉरपोरेशन बाद में पैसा देगी माल्या जैसे लोगों को, और गरीब को बैंक से पैसा नहीं मिलेगा। आप मोदी जी पे अलग से पैसा अपना, लेकिन फिर भी उन्होंने अंबेडकर की बात की। अब मेरा ये कहना है कि अंबेडकर की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंबेडकर के जो आप रियलिटी भी देखेंगे ना, उन्होंने बड़ी महान चीजें की। सबसे बड़ी चीज जो अंबेडकर ने कही थी वो ये कहा था कि जात पात को खत्म करना होगा, मैं वो, और अंबेडकर ने कहा था अंत में कि हिंदू धर्म के अंतर्गत मैं रह नहीं सकता, बौद्ध बन गए। ये चीजें तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन याद क्या रखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें गोरक्षा की बात आई, और वो थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। अंबेडकर ने अपोज नहीं किया, लेकिन भार्गव रगड़ते गए मामले को। अंत में हम देखते हैं कि अंबेडकर ने एक सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज भी किया, हालांकि वो उसके साथ नहीं, मेरा जो सवाल विरोध किया था, मेरा सवाल का और आप अलग अलग ले जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि आज के दिन में क्या वो एक वोट को अट्रैक्ट करने का एक आइडिया है? नहीं, सिर्फ वोट का नहीं है, जो असमानता हमारे देश में हो गई है कि आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि गरीब आदमी जो दलित है वो मरी हुई गाय का भी चमड़ा उतार रहा है, तो कहीं कोई कंपनी वाला आके लोगों को उकसा देता है कि इसने गोहत्या की है, और उसकी पिटाई हो जाती है, उसको मारा जाता है। मेरा ये कहना है कि आज इस परिस्थिति में अंबेडकर का नाम लेना बड़ा जरूरी हो गया है, उनके लिए भी जिनके लिए वो सुरक्षा थी, कारण क्या है, हमले होते हैं, झूठे हमले होते हैं, पुलिस और थाना नाम लेते हैं, पुलिस और थाना गरीब आदमी को सहयोग नहीं देता है। जो राजनीतिक दल उनका नाम ले रहे हैं, राजनेता क्या वाकई उनके विचारों में यकीन रखते हैं, या वो सिर्फ, मैं वही मेरा जो सवाल था, पहला जो सवाल था वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप नरेंद्र मोदी पे अलग से हमला बोल लीजिएगा, उसके लिए मैं अलग से अपना नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल मैंने तो इसीलिए कहा है, राजनीतिक दलों में ये होड़ किस बात को लेके है कि आप उसको पीछे, आज इस देश में असमानता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है उसके लिए राजनीतिक तौर में, और उस असमानता की बढ़ते हुए गरीब आदमी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, तो वो तो अंबेडकर के लिए जा रहा है सहारा लेने के लिए, लेकिन जो अमीर आदमी है वो देख रहा है कि ये सच्चाई की ओर जा रहे हैं, तो मैं जो चोरी कर रहा हूं मेरी चोरी पे भी गंगा जल लग जाए तो क्या बुराई है। पुष्पेंद्र, दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं सिर्फ, बहुत कम समय है, सिर्फ इतना ही एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या अंबेडकर जयंती के दिन, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के अन्य नेता हो, अन्य राजनीतिक दल हो, अब वाकई वो स्थिति बन रही है देश में कि उनको, उनके जो आइडियाज़ थे ऑफ इंडिया, भारत के जो संविधान लिखने के पीछे सोच थी, वो सोच को अब सच करने के लिए तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं, आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूं कि उनकी सोच जो थी उसको सच करने के लिए कोई नहीं जुटा, ये बड़ा बहुत बड़ा झूठ है। मैं बहुत ईमानदारी से इसलिए कह रहा हूं कि हम सार्वजनिक जीवन में कुछ और होते हैं और निजी जीवन में कुछ और होते हैं। जब तक आप कुछ मसलों को, आज प्रधानमंत्री जब जो कह रहे थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं,
वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अंबेडकर जयंती पे भी जाना है, उन्हें दूसरी जयंतियों पे भी जाना है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, मैं इस सरकार से उनसे उनका बहुत क्लोज, ये बहुत मैं क्लोज इस सरकार के कामों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं कि हमारे राजनीतिक दलों के अंदर अंबेडकर आरक्षण पिछड़ा ये एक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि लोकतंत्र में नंबर गेम है। आप ये देखें कि आज इस देश में मन से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरक्षण को पसंद नहीं करते, लेकिन आरक्षण के विरोध में बोलने का मतलब है सत्ता गंवाना, दलितों के खिलाफ कुछ बोलना सत्ता गंवाना है, लेकिन अपने निजी जीवन की जो ताकत है उसमें वो काम जरूर करते हैं, उसमें वो ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे सरकारी नौकरी है, अब सरकारी नौकरी घट रही है, ये आरक्षण का लाभ सरकारी नौकरी मिलता है, तो लोगों ने कहा नहीं साहब प्राइवेट में भी दीजिए, तो उन्होंने कहा प्राइवेट में कैसे हम दे सकते हैं, हमारा तो सरकार का तो वहां रोल नहीं है। तो आप ये धीरे धीरे देखिए कि जो दूसरी ताकतें हैं वो इस आरक्षण से भी निकलने की कोशिश कर रही हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि वोट बैंक इतना मजबूत है कि इनको साथ लिए बगैर आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, इस सरकार को लेकर के मैं जरूर कह सकता हूँ, खुद नरेंद्र मोदी को लेकर कह सकता हूँ कि सिर्फ वो सिंबॉलिक आज नहीं कर रहे हैं बल्कि कई सारे काम हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में लगता है, मानता है नहीं भारतीय जनता पार्टी काम होगा दिल्ली, तो फिर ये बात बनेगी समाज में, नहीं तो वोट बैंक तक रहेगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है रमेश चंद्र रतन जी है हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन एक सवाल सिर्फ, ये जो आइडिया है बाबा साहब अम्बेडकर जिनको लेके तमाम राजनीतिक दल में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना इनके बारे में बात कर सकता है, कितना कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, किस तरह से उनकी बातों की बात कर सकता है, क्या वाकई वो लोग उनमें यकीन करते हैं, उनके सोच को सच बनाना चाहते हैं या सिर्फ वोट बैंक पे नजर है? एक तो जो है दिलीप जी, जिसकी प्रतिज्ञा निभाई वो क्या जाने पीर पर आई जी। ये मोदी जी जब सीएम थे तो इन्होंने सीएम रहते हुए गुजरात में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक संविधान दिवस के रूप में हाथी रख करके बहुत लंबा कार्यक्रम बनाया था। और दूसरा चीज ये, पहली 2.5 गज जमीन बाबा साहब अम्बेडकर को इन कांग्रेसियों ने नहीं दी, लेकिन ये पहले देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा कि मैं जो आज प्रधानमंत्री बनाऊं वो डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत बनाऊं। और कृषि ने उनको जो है नहीं सोचा, इतिहास मिटाने का काम किया, लेकिन ये पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 5 तीर्थ स्थल को जन मऊ छावनी से लेकर के चैत्य भूमि से लेकर के दीक्षा भूमि से लेकर के लंदन की भूमि से लेकर के 26 अलीपुर रोड से लेकर के एक इतिहास सभी पर निर्माण चल रहा है। मेरा सवाल दूसरा था, संविधान नहीं, ये हकीकत जो है सारे लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे लेकिन करते करते कुछ नहीं, कागज पे ही चलता था, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेकर काम चला रहे थे। पहली सरकार है लड़ाई जो है दिल से संसद में चर्चा चलाई है, डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों से निकाल करके बाहर पूरे विश्व में फैलाने का काम किया, ये पहली सरकार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास समय खत्म हो गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्पेन जी, सुनील चोपड़ा जी और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।